राजस्थान सरकार राज्य में बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये सब महज कागजों में खर्च होता है। इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आलम यह है कि सुविधाओं के अभाव में कहीं भी आयोडीन की जांच नहीं हो पा रही है। हनुमानगढ़ की देखिए एक हकीकत। हनुमानगढ़ के बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए सरकार ने एक योजना बनाई थी, जिसके तहत हर घर में जाकर आयोडीन टेस्ट कराने की ताकीद की गई थी। इस काम की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी गई थी, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन कार्यकर्ताओं को 3 साल से किट ही नहीं दिया गया। अधिकारी भी बड़े आराम से इस बात को मानते हैं कि 3 साल से जांच किट नहीं आया। लगभग 3 साल पहले आई थी, उसके पास साथ केंद्रों पे भेज दी गई है, लेकिन अब हमारे पास आयोडीन किट नहीं है। वैसे तो यूनिसेफ से आती है, लेकिन उसके हमारे पास निर्देशालय से ही आती है, लेकिन अभी तक हमारे पास नहीं आई। जिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस काम की जिम्मेदारी दी गई, उन्हें भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर किट देगा कौन, स्वास्थ्य विभाग या फिर यूनिसेफ। कहा एनएम है ना, उसके पास आएगी किट, फिर कहते वो चेक करेगी, स्वास्थ्य विभाग वाले। घर में अब कई दिनों से हमारे पास में किट नहीं, जब चेक नहीं हो पा रहा है ना जी, ये कह रहे हैं आयोडीन किट कहते तुम्हारे को स्वास्थ्य विभाग से मिलेगी। पहले मैं चेक करती थी यहाँ पे आयोडीन किट, घर में चेक किया मैंने आयोडीन, अब ये इस साल में नहीं है हमारे पास। जिले में तकरीबन 42,000 बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, जिनमें से आधी लड़कियां हैं। जब इनके माँ बाप से आयोडीन की जांच के बारे में पूछा गया तो इनका कहना है कि वो जब भी इस बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पूछते हैं तो उनका एक ही जवाब होता है कि किट नहीं है। नहीं है जी। अच्छा, वो कहते किट ही नहीं आई। अच्छा भोजन देने के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नरों ने एक रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर 20% आंगनबाड़ी केंद्रों की और जरूरत तो है ही, इसके साथ ही पहले के केंद्रों पर सुविधाओं का बेहद अभाव है। अगर इस रिपोर्ट पर सरकार गौर कर इस मामले में पहल करे तो कुछ बेहतर परिणाम निकल सकते हैं, अन्यथा कागजों पर योजनाएं तैयार करने का कोई फायदा नहीं। विश्वास भटेजा, सहारा न्यूज ब्यूरो, हनुमानगढ़।